नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में एक बार फिर से बंद हुआ तंबाकू वाला गुटखा और पान मसाला। खेलकूद में अब 60% मिलेगा अनुदान। बिहार में उठी 12 और महाविद्यालयों में सेहत केंद्र खोलने की मांग। बिहार के कई जिलों में सीएनजी स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू। बिहार में अगले 2 दिन भी बारिश के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में एक बार फिर से बंद हुआ तंबाकू वाला गुटखा और पान मसाला। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू से निर्मित सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले के उत्पाद, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि तंबाकू से बनने वाले पान मसाला और गुटखा पर साल भर पहले भी प्रतिबंध लगाया गया है। इधर विभाग के अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध का अगर कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2016 में यह आदेश दिया था, जिसके हवाले से एक बार फिर से कार्रवाई की बात कही गई है। इस दिन से बिहार में अनिवार्य हुआ दिव्यांगता प्रमाण पत्र। बिहार में अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल से अनिवार्य होगा, जो कि ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के माध्यम से ही UIDAI को जनरेट करना होगा, जिसके चलते बिहार में नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल के बाद ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दे दिया है। भारत सरकार के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में पहल तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 तक सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ध्यान रहे, अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसी के पास मौजूद ना हो तो ऐसे में दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वो हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपने गद्य लेखन, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता के जयगान को लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने ललित निबंधन, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि विविध गद्य विधाओं में जो महान रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इनका जन्म उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर से इस दिन से शुरू होगी गया दिल्ली रूट के लिए इंडिगो फ्लाइट। गया हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए खुशखबरी, इंडिगो एयरलाइंस 2 मार्च से गया दिल्ली रूट पर अपनी उड़ान सेवा शुरू कर रही है। इसको लेकर एयरपोर्ट निदेशक बगजीत साह ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इंडिगो एयरलाइंस 2 मार्च को गया दिल्ली के लिए उड़ान सेवा फिर से बहाल कर देगी। मिली जानकारी के अनुसार एयरलाइंस जल्द ही उड़ानों का स्केड्यूल भी जारी करने वाली है। फिलहाल सप्ताह में 3 दिन उड़ान रहेगी। इसके ही अनुसार 6E2172 दिल्ली से सुबह 11:10 पर गया आएगी और यहां से 12:55 पर वापस दिल्ली के लिए उड़ेगी। दिल्ली रूट पर फ्लाइट ऑपरेट होने के बाद घरेलू यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। खेलकूद में अब 60% मिलेगा अनुदान। बिहार के सभी स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा मिले, साथ ही बिहार में खेल गतिविधि अधिक हो, इसको लेकर बजट सत्र 2022-23 से अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से कई बातें भी कही गई, जिसके तहत परिषद ने बताया कि प्रारंभिक स्कूलों में 5,000 प्रति स्कूल अनुदान देने का काम होने वाला है। वहीं मध्य विद्यालय की बात करें तो इसमें 10,000 प्रति स्कूल अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो अभी तक प्रारंभिक स्कूलों को 3,000 और मध्य विद्यालयों को 5,000 रुपए दिए जाते थे। अब अनुदान राशि स्कूलों में 60% और मध्य विद्यालय में 50% बढ़ाई गई है। खेलो इंडिया के तहत हर स्कूल को अधिक से अधिक गतिविधियां करवानी है। इसके लिए सभी स्कूलों को स्केड्यूल भी दिया जाएगा। स्केड्यूल के अनुसार ही स्कूलों में गतिविधियां करवाई जाएंगी। विधानमंडल परिसर पहुंची जांच की टीम। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार विधानमंडल बजट सत्र 2022 को लेकर सुरक्षा पर इस बार खास जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि बिहार विधानमंडल परिसर में बीते दिन ही डॉग स्क्वाड की टीम ने सघन जांच पड़ताल की। इस दौरान दोनों टीमों ने विधानमंडल के चप्पे चप्पे की जांच भी की, जिसमें मंत्री और विधायकों की सुरक्षा में कोई चूक न रहे, इसको लेकर आज से बजट सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, जिसका संबोधन आज राज्यपाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विधानमंडल की सुरक्षा को लेकर पटना के डीएम और एसएसपी ने बुधवार को ही सभी सुरक्षा कर्मियों को खास टिप्स भी दी थी
और बीते दिन डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम से सघन जांच करवाई गई। बिहार में अगले दो दिन भी बारिश के आसार। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश का मंजर देखने को मिलने लगा है। बीते दिन ही राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से नमी लेकर आ रही पूर्वी हवा के कारण गुरुवार से मौसम में बदलाव आएगा। गुरुवार से आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को चक्रवाती परिसंचरण के कारण पटना समेत राज्य के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने के आसार है। 25 के साथ साथ 26 फरवरी को बिहार के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी है। वहीं अन्य इलाकों का मौसम साफ रहेगा। बिहार में उठी 12वीं और महाविद्यालयों में सेहत केंद्र खोलने की मांग। बिहार के 12 और महाविद्यालयों में सेहत केंद्र खोलने की मांग उठाई गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग कॉलेज जाने वाले युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य जीवन के गुर बताने के लिए सेहत केंद्र की स्थापना कर रही है। राज्य के 28 कॉलेज में पहले से ही केंद्र संचालित है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तहत संचालित रेड रिबन क्लब के साथ साझेदारी के तहत सेहत केंद्र को यूथ फ्रेंडली के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस बाबत श्री पांडे ने कहा है कि युवा प्रशिक्षित और जागरूक होंगे तो आसपास के लोग भी इससे जागृत हो सकेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने निकाली रिक्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 360 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, कंप्यूटर विज्ञान है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक इंजीनियरिंग अनुशासन में डिग्री, डिप्लोमा में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 18 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opalindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बेस्ट पुलिसिंग के लिए ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह हुए सम्मानित। 22 से 27 फरवरी तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2022 के तहत 3 दिवसीय इंडोर प्रोग्राम का गुरुवार को समापन हो गया, जिसके बाद ही बिहार के DGP SK सिंघल ने राष्ट्रपति का सराहनीय पदक प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार को बेस्ट पुलिसिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने वाले 25 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें IPS अधिकारी संजय कुमार, पुलिस उप अधीक्षक जप नारायण प्रसाद, पुलिस उप अधीक्षक मिथिलेश कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अर्जुन लाल, पुलिस अवर निरीक्षक सुनीता कुमारी और पुलिस अवर निरीक्षक हन्नौला खान भी शामिल हैं। गृह विभाग में लंबे समय तक अब नहीं रुका रहेगा कोई भी पत्र। आने वाले दिनों में गृह विभाग और पुलिस महकमे में 6 से 12 महीने तक कोई भी पत्र लंबित नहीं रहने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी तरह के पत्रों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा में ही करने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत ही अब जो पत्र 6 महीने या 1 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ही पहले निष्पादित किया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बाबत आदेश जारी किया है। फाइलें अपडेट नहीं होने पर संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक पर कार्रवाई होगी। लंबित पत्रों का तुरंत निपटारा करने के लिए कई प्रशाखाओं को अभियान चलाने का आदेश भी दिया गया। सभी प्रशाखाओं को लंबे समय से लंबित फाइलों की सूची तैयार करके पहले इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कहा गया है। डिजिटलीकृत होने के बावजूद भी बिहार विधान परिषद जारी करेगी सदन की कार्रवाई की कॉपियां। बीते दिन ही बिहार विधान परिषद की प्रेस सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपनी बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल सदन होने के बावजूद प्रेस के सदस्यों को प्रश्नोत्तर उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस दौरान अवधेश नारायण सिंह ने परिषद की चर्चाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि यहां जनहित में नीतिगत बहस होती है। उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि उच्च सदन में होने वाली उच्च कोटि के बहसों को जनता तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। STET अभ्यर्थियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। STET अभ्यर्थियों ने बीते दिन क्वालिफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिलने को लेकर एक बार फिर से सचिवालय के अंदर घुसकर खूब बवाल काटा। हालांकि इन सभी अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश गार्ड की तरफ से की गई थी, लेकिन ये सभी अभ्यर्थी किसी की भी नहीं सुन रहे थे। अभ्यर्थियों का गुस्सा इतना ज्यादा तेज था कि इन सभी अभ्यर्थियों ने सचिवालय के अंदर घुसकर आनंद किशोर का पुतला भी फूंक दिया। इस बवाल के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को जमीन पर घसीटते हुए बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सभी अभ्यर्थियों का गुस्सा और ज्यादा देखने को मिला। पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद इन सभी ने कहा कि अगर हम अपराधी हैं तो हमें दे देनी चाहिए, लेकिन हमें क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि इसके बिना इन सभी अभ्यर्थियों को प्राइवेट संस्थानों में भी काम नहीं मिल रहा है।
बिहार सरकार ने किया हर घर नल का जल पहुंचाने का दावा, लेकिन केंद्र के रिकॉर्ड से उठे सवाल। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल को बिहार भर में फैलाए जाने की योजना के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। यही कारण भी है कि सरकार के कई जिलों में इसका काम भी हो चुका है। वहीं बिहार सरकार भी यही दावा करती आई है कि बिहार के हर एक घर में नल का जल पहुंच रहा है, लेकिन केंद्र का रिकॉर्ड कुछ और ही बयान कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की दैनिक रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 31,000 से अधिक गांव के घरों में टैप से पेयजल पहुंच रहा है। करीब 9,000 ऐसे गांव अभी है जहां के सभी घरों में नल का जल नहीं पहुंचा है। ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि राज्य में हर घर नल का जल पहुंचाने वाले विभाग केंद्र को डाटा ही नहीं दे पा रहे हैं। ये सूचना राज्य के संबंधित विभागों के अपने पोर्टल पर भी नहीं है, जिसके बाद ही अब इस पूरे मामले को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपने स्तर पर देखने वाला है। रोहतासगढ़ का किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भारत के प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाला रोहतासगढ़ का किला साहस, शक्ति और सोन घाटी की सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह किला रोहतास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशृंग के पौत्र और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिता शव ने कराया था। रोहतासगढ़ जलप्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की तरफ गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थानों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं। माना जाता है कि यह किला कई सालों तक हिंदुओं के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और अनेक वर्षों तक इस किले पर उनका अधिकार रहा। इस किले का इतिहास 1857 में हुए स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। बिहार के कई जिलों में सीएनजी स्टेशन खोलने की तैयारी शुरू। बिहार के कई जिलों में स्टेशन खोलने को लेकर के तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर ही बीते दिन बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सीएनजी प्रोवाइडर्स गेल, आईओसीएल, थिंक गैस और आईओएजीपीएल के प्रतिनिधियों के साथ सीएनजी स्टेशन की स्थिति और नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना और पाइपलाइन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगले महीने तक पटना में सीएनजी स्टेशन की संख्या 15 से बढ़कर 20 हो जाएगी। इसके साथ ही मार्च तक मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में सीएनजी स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। वहीं इसको लेकर कुछ समय पहले ही परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने पूर्व में समीक्षा कर पटना के बाहर अन्य जिलों में भी सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया था। इस पर परिवहन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमुख शहरों में नए सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई करें, जहां पर सीएनजी स्टेशन खोले गए हैं। चिकित्सकों ने की स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की मांग। हाल ही में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बजट पूर्व बैठक का आयोजन किया था, जहां पर ही उन्होंने सभी चिकित्सकों के साथ बैठक कर चिकित्सा संबंधी आवश्यक प्रावधानों के विषय में विमर्श भी किया। इस दौरान कई चिकित्सकों ने बिहार के आगामी बजट में आम लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक प्रावधान करने का अनुरोध किया। इसी दौरान मौजूद सभी प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि आगामी मेडिकल बजट को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चिकित्सकों द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत वर्तमान में CGHS स्वीकृत अस्पतालों में ही इलाज की सुविधा है। लालू यादव ने लगाई जमानत की गुहार। चारा घोटाला मामले में मिली सजा के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमानत को लेकर अर्जी लगाई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव ने बीते दिन रांची हाईकोर्ट से अपनी जमानत के लिए गुहार लगाई। आपको बता दें कि हाल ही में डोरांडा ट्रेजरी मामले में ही लालू यादव पर 139 करोड़ रूपये से ज्यादा की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही लालू पर 60 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें कि डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रूपये की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 102 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। इसमें लालू को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। लालू ने अब हाईकोर्ट में अपनी जमानत की गुहार लगाई है। उड़न खटोला निगरानी पर भाजपा ने उठाए सवाल। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया था कि हेलीकॉप्टर से शराब तस्करों पर निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर पटना में हेलीकॉप्टर भी आ चुकी है। इस फैसले पर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके तहत भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि शराबबंदी बेहतर काम है, हम फैसले से सहमत है, लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शराबबंदी में किया जाना आश्चर्यजनक है। वाकई अगर सरकार शराबबंदी को सफल बनाना चाहती है तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। राजद ने बजट सत्र के हंगामेदार होने के दिए संकेत। आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, वहीं आज से ही सत्ता और विपक्ष के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिलना तय है। कम से कम राजद की तरफ से बीते दिन जारी किए गए बयान से तो यही प्रतीत हो रहा है। इसी को लेकर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि हल्ला करना हमारा मकसद तो नहीं है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, हम जनता के जनसमस्याओं को सदन में रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती, जनता की आवाज नहीं सुनती, तो निश्चित रूप से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे।
और उसमें सरकार कहती है कि विपक्ष केवल हल्ला करता है तो ये उनकी दुर्गति लिखी है। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने कहा कि बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। अब प्रधानमंत्री मोदी बदलेंगे किसानों की किस्मत। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं। इसको लेकर ही बीते दिन पीएम मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती और इसकी पहुंच, उभरता हुआ हाईटेक और डिजिटल एग्री इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की अपील की। इसको लेकर उन्होंने देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर के संबंध में आयोजित वेबिनार का संबोधन भी किया। साथ ही कहा कि इसमें मुख्य रूप से 5 विषय शामिल किए गए हैं। इनमें प्राकृतिक खेती और इसकी पहुंच, उभरता हुआ हाईटेक और डिजिटल एग्री इकोसिस्टम शामिल है। इस दौरान मोदी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत हो गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। एनडीए विधानमंडल दल बनाएगा रणनीति। आज से एनडीए बिहार विधानमंडल दल की बैठक की शुरुआत होने वाली है, जहां पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक विधानमंडल के विस्तृत भवन में सेंट्रल हॉल में होगी। आपको बता दें कि 25 फरवरी को ही विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री विधायकों और विधान पार्षदों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार की माने तो विधानसभा और विधान परिषद की बैठक की समाप्ति के तुरंत बाद एनडीए विधानमंडल दल के सदस्यों की बैठक होने वाली है। ऐसे में मंत्री जी ने बीते दिन ही यह अनुरोध किया है कि सभी लोग समय पर ही स्थल पर पहुंचे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अकबर के दरबारी कवि बीरबल 1586 में विद्रोही यूसुफजई के साथ एक लड़ाई में उनकी जान गई थी। 1962 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। भारत के साथ रूस की निचली संसद ड्यूमा द्वारा 2000 में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन हुआ। दीपा मेहता की फिल्म वाटर को 2006 में गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला। फिल्म नो एंट्री फॉर ओल्ड मैन को 2008 में 80वें ऑस्कर अकादमी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। 1981 में भारतीय अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म हुआ। 1994 में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का भी जन्म हुआ। हंसराज खन्ना भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का 2008 में निधन हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने जीत के साथ किया सीरीज का आगाज। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जीत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को श्रीलंका को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले गए 3 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में 62 रन के बड़े अंतर पटकनी देकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 200 रन के विजयी लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने ईशान किशन के 89, श्रेयस अय्यर के 57 और रोहित शर्मा के 44 की धमाकेदार पारियों की बदौलत 20 ओवर में 199 रन का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इसके जवाब में मेहमान श्रीलंका की टीम 6 विकेट खोकर 137 रन बना सकी और 62 रन के बड़े अंतर के साथ मैच गंवा दिया। इंडियन यूजर के लिए व्हाट्सएप की खास पहल। व्हाट्सएप अपने यूजर की सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी ने डेडिकेटेड सेफ्टी इन इंडिया रिसोर्सेज हब को लॉन्च किया है। इसमें कंपनी कई सारे सेफ्टी फीचर ऑफर कर रही है, जिसमें यूजर को ऑनलाइन सेफ करने में काफी मदद मिलेगी। नए सेफ्टी फीचर्स के जरिए कंपनी यूजर को ऑनलाइन सेफ्टी का कंट्रोल भी दे रही है। कंपनी को उम्मीद है कि रिसोर्सेज हब व्हाट्सएप को यूजर के लिए पहले से ज्यादा सेफ प्लेटफॉर्म बनाने में काफी मददगार साबित होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उमाशंकर जायसवाल, विजय घायल, महासेठ माइकल, चंदन कुमार, मैडम कुमकुम झा, पूनम देवी, कहकशा मजहबी, रमाकांत कुमार, शिवशंकर शाह, मनोज कुमार, विशाल कुमार जायसवाल, विशाल कुमार, निमकमल सिंह, इंदु कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़ी हर दिन की खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक द क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल घूमने के लिहाज से सबसे सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।